अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन व नाज़रात, आज की जो ये वीडियो है बिलखुसूस यूट्यूबर्स हज़रात के लिए और उनमें से कुछ बातें आपके लिए भी है, लिहाजा आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर वॉच करें। यूट्यूबर्स हज़रात जिन्होंने रज़ा ग्राफी के मुतालिक से फेक वीडियोस और गलत खबर को जिन्होंने सोशल मीडिया की दुनिया में वायरल करवाई कि रज़ा ग्राफी को मार मार कर पैर तोड़ दिया गया है, रज़ा ग्राफी की आंखों में क्या क्या हो गया है, रज़ा ग्राफी लेना हो गया, और रज़ा ग्राफी की जेल को जिन्होंने जो लाइव जाकर चलाया है उनके बारे में ना जाने कैसी कैसी वीडियोस उन्होंने बनाई। रज़ा ग्राफी आते ही दूसरी वीडियो में तमाम तर यूट्यूबर्स हजरात को उन्होंने रेल दिया है, उन्होंने तमाम तर यूट्यूबर्स हजरात की धजिया उड़ा दिया है, सिर्फ बाज़ यूट्यूबर्स हजरात को छोड़कर। तो मैं उन तमाम तर यूट्यूबर्स हजरात से कहना चाहता हूँ कि बगैर तहकीक और रिसर्च किए हुए यार ऐसी वीडियोस, ऐसी खबर आप क्यों देते हो जिसकी वजह से आपकी बेइज्जती हो जाती है। मान लीजिए कि कुछ 2,000, 5,000, 1,00,000 सब्सक्राइबर्स तो आपके आ जाते हैं, बट वही सब्सक्राइबर्स आपको बाद में जाकर गालियाँ देते हैं, तो क्या फ़ायदा यार। आप कुछ ऐसा काम करें, आप अपने अंदर में इतना अच्छा टैलेंट लाएं, ऐसी खबर दें जिसकी वजह से रियल या सब्सक्राइबर्स भी मिले और अच्छे लोग भी मिले जो आपको और ज़्यादा सपोर्ट करें, दुआओं से नवाजें, न कि वो तो आपको मतलब रज़ा ग्राफी के मुतालिक से उनके नाम पर तो सब्सक्राइब कर दे फिर जाकर आपको वो गालियाँ बके। तो उन तमाम तर यूट्यूबर्स हज़रात से मेरी अपील है कि आप ऐसी खबर, ऐसी फेक वीडियोज़, ऐसी बातें सोशल मीडिया की दुनिया में हरगिज़ ना करें। फिर हमारे जो आम आदमी हैं उन तमाम तर लोगों से भी अपील है कि गैर दूसरों की गैर मौजूदगी में आप ऐसा काम न करें जिनकी वजह से फिर वो आ जाए तो आपको शर्मिंदगी महसूस हो, आपको शर्म फील हो और फिर आपकी बदनामी हो, फिर आपको उनसे मुलाकात करने की सलाहियत न रखें। तो फिर नाज़रीन-ओ-नाज़रात आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। इस वीडियो में हम ये जाने हैं कि जगह किसी के गैर मौजूदगी में उनका गलत फ़ायदा हरगिज़ न उठाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपनी प्यारी दुआ में भाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह।